कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूँ तो हर 2 सेकंड में आपको बस मिल जाएगा हावड़ा ब्रिज से, और उसका टिकट की बात करूँ तो 15 रुपीज़ है वहाँ से हावड़ा ब्रिज से यहाँ तक आने के लिए। दोस्तों मैंने एक टोपी भी लिया स्टाइलिश टोपी, और यह टिकट काउंटर, टिकट काउंटर की बात करूँ तो एक टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़, हम 2 जन है तो हमारा 60 रुपीज़ है टिकट पड़ा। दोस्तों फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं अलीपुर जू में, जो कि वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी जू है। ये जू 1876 में बनी थी, मतलब ये काफ़ी पुरानी जू है, इंडिया का सबसे पुराना जू है अलीपुर जू। और अलीपुर जू का एंट्री में हम एंट्री ले चुके हैं, एंट्री का व्यू में स्टार्टिंग में यहाँ पर घास में बनी है, लेकिन ये जो रियल जो हाथी है, रियल जिराफ है, ये अंदर में है। इसको दिखाने के लिए साइड से यहाँ पर छोटा सा बनी है, और मेरे साथ है आज पुष्पाराज। अंदर में आपको देखने को मिलेगा बाघ, शेर और उस चीता, और बहुत सारे टाइप का आपको टाइगर देखने को मिलेगा, सांप का वेराइटी का सांप आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे रेयर बर्ड जो नॉर्मली नहीं मिलते हैं वो जू में उसको कैद करके रखा गया है, उसके साथ साथ और भी दूसरे चेहरे देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है। मेरा टोपी मेरे को सूट कर रहा है, पूरा अंग्रेज जैसा लग रहा है। यहाँ तो किंग कॉन्ग हॉलीवुड मूवी में जैसे किंग कॉन्ग छाती फाड़ के एक्शन करता है, यहाँ पे भी वो इधर उधर घूम रहा है। किंग कॉन्ग 3 है इधर, और इसको आ नहीं पाएंगे बाहर, इसलिए इसको पूरा ग्लास से कवर किया गया है। ऊपर में इसको तार में, लोहे का तार साइड में चारों तरफ घुमाया गया है, और पानी बीच में डाला गया है जैसे कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे और टूरिस्ट को अटैक नहीं करेंगे। के बाद इधर है जेब्रा, यहाँ पे 3 जेब्रा, यहाँ पे 1 जेब्रा दिख रहा है और वहाँ पे 2 जेब्रा है दूर में, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। नंदन कानन और चिड़ियाखाना जब भी आओगे ना, सारे चीज़ को आपको पास में से आप नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि जंगल में तो आप शहर के सामने नहीं जा पाएंगे। था बड़ा बड़ा जेब्रा, और यह जेब्रा का बच्चा है देखो। तो ये बर्ड का नाम टोपो टाइकन, बहुत सारे रेयर बर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। अब ईगल के बारे में तो पता होगा कि उसके आंखें बहुत तेज है, वो समुंदर बहुत ऊपर से समुंदर में तो मछली देख लेता है और उसको अपने पंजे से उठा लेता है, और जंगल में वो जो भी जीव को देखता है, वो हिरन हो या खरगोश हो, उसको अपने पंजे से उठा लेता है। बड़ा कछुआ है अल्बर्टा जायंट चटोज, 2 कछुए है यहाँ पे, यहाँ पर 1 कछुआ है और उस तरफ यहाँ पे बड़ा वाला कछुआ है, वो मूवमेंट कर रहा है, ये सो गया है। इतना बड़ा बड़ा कछुआ सिर्फ समुंदर के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जू में उसको कैद करके रखा गया है। कंगारू, डियर का नाम है ब्रो एंटर डियर, इसके बारे में पढ़ लीजिए। चलिए मैं इसको बियर दिखाता हूँ आपको। अरे बहुत सारे भी दोस्तों, बियर की बहुत सारे प्रजाति यहाँ पर मौजूद है। इसका नाम है स्पॉटेड डियर, और सारे इधर पास में ही आ गया है स्पॉटेड डियर। बहुत सारे हिरण हैं यहाँ पे छोटा छोटा हिरण है यहाँ पे, जिनके सिंह नहीं आया अभी तक, और बड़ा बड़ा हिरण इस तरफ है जिनका अभी सिंह आ गया है। वहाँ पे 4-5 प्रजाति का बियर उस तरफ मैंने देख के आ गया, और वहाँ पे बहुत सारे बियर एक साथ हैं, छोटे बियर है, बड़ा बियर है, और ये जो बियर है ये है बार्किंग बियर। ये देखो यहाँ पर पास में ही एक है, और यहाँ पे दूर में वो 2-3-4 है, वहाँ पे पूरा बकरा की तरह हुआ है। तो नॉट थ्रो स्टोन्स एट क्रोकोडाइल, मस्त सोया है तो उठने के लिए, यहाँ पर ऊपर तक जाएगा, यहाँ से रास्ता भी बनाया गया है, और यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर ऊपर में एक सोया है। दोस्तों हिरन के बाद क्रोकोडाइल मिल गया मेरे को, और क्रोकोडाइल के बाद यहाँ पे बहुत सारे सांप बाहर से दिख रहा है। तो यहाँ पे बोर्ड उसका लगाया गया है, सांप का सांप है, येलो कलर है, अनाकोंडा और सांप है। अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में मिलता है,
ये देखिए येलो मॉनिटर लिजर्ड। आप पूरा ऊपर में उधर सोया है, इसका नाम है रॉक पाइथन। इसका नाम है रॉक पाइथन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ सब कॉन्टिनेंट एशिया में मिलता है। वो मामल बाढ़ और रेपेल को खाता है, 100 अंडा देता है। रॉक पाइथन के बाद इधर है बैंडेड क्रेट, जिसको रोना सांप भी कहा जाता है। ये सांप अभी विलुप्त हो गया है। ये सांप बहुत हमारे घर के आसपास में पहले मिलते थे। इंडियन रेड स्नैक, और ये सांप जिसको धोमणा भी कहा जाता है। ये सांप ना ये मेरे बेड पे आ जाता है, ये हर जगह मिलेगा। ग्रीन कलर का ये सांप है, जो कि साउथ एशिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में मिलता है। रेड रैबिट माउस बाढ़ मामल को खाता है और 12 से 36 अंडा देता है वो। अच्छा, दो ही नहीं है भाई, अंदर में भी है बहुत सारे। यहाँ पर सोया है दोस्तों, इस तरफ जितने भी सब है वैरायटी वैरायटी का सांप है। इसके बाद यहाँ पर है एलिगेटर, नहीं चार एलिगेटर है। यहाँ पर एक एलिगेटर है और वहाँ पे दो तीन, यहाँ पे चौथा एलिगेटर है। और पानी के अंदर और एलिगेटर भी होंगे। पहली बार देख रहा हूँ ऐसे एलिगेटर पास में से। ये ढूंढ रहा है मेरा गर्लफ्रेंड कहाँ चला गया। एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सा स्पेसिस है एनाकोंडा का। यहाँ से बहुत बड़ा उल्लू, वहाँ पे बड़ा सा उसके लिए स्टैचू बना था आउल का, ये छोटा सा है यहाँ पर। इंडियन 100 राइनोस। तो सांप के बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पे गेंडा है, एक ही गेंडा है यहाँ पे, बहुत बड़ा सा, वो सोया हुआ है वहाँ पर। एक पिंजरा है, बहुत बड़ा पिंजरा है, चारों तरफ से इसको गोल करके रखा गया है ताकि बाहर ना जा सके, क्योंकि ऊपर उड़ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप का बाढ़ है, उसके साथ इंडियन टर्टल है। बीच में देखिए, बीच में सेंटर में उनको बैठने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम किया गया है। बेसिकली यहाँ पे बाढ़ का जो है पेंटेड स्टॉक है, स्पूनबिल है, रोजी पेलिटन है और वाइट स्टॉक है। ब्लू येलो मको, छोटा सा प्यारा सा मिट्टू, खाना दिया गया है, खाना खा रहा है। तो स्कारलेट मको, येलो हेडेड अमेज़न पैरेट, वही प्यारा सा व्हाइट कलर का, वही सेम पैरेट एक प्रजाति का है। अरे हाथ में पकड़ा है खाना, एक हाथ में बैठा है और एक हाथ में खाना पकड़ा है। पैरेट के साइड में यहाँ पे बिल्लियों ये बाहर घूम रहे हैं। ये जू का पार्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मस्त मजा मार रहे हैं ये लोग। दूध पी रहा है अपने माँ से, दूध पी रहा है बच्चा। ये देखो क्यूट सी प्यारी सी एक बच्ची है, ये ले। गॉब्लिन्स कोकाटो, बहुत बड़ा एरिया है इसलिए बीच में बैठने के लिए भी बनाया गया है। सल्फर चेस्टेड कोकाटो इसका नाम है। यहाँ बाप रे पास में आ गया मेरा, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, दांत के माध्यम से भी वो मूवमेंट हो पा रहा है। वेलकम टू जिराफ वर्ल्ड, जहाँ पे जिराफ देखने को मिले।
और सामने यहाँ पे खूबसूरती के लिए पानी भी रखा गया है। दोस्तों जिराफ वर्ल्ड में आपको स्वागत है। दोस्तों जिराफ के लिए सबसे बड़ा पिंजरा बनाया जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा जीव है। वहाँ पे कितना 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिराफ, तो जिराफ 7 जिराफ है। यहाँ पे एक ही जिराफ है पास में है, मैं आपको पास वाला दिखा देता हूँ। कितना हाइट होगा? 8-10 फुट हाइट होगा। और इस पेड़ के, ये पेड़ को ऐसे क्यों जाली से कवर किया है? सर पे मार के इसको तोड़ देगा ना भाई, पास में आ गया। बहुत देर के बाद एक दुकान मिला कुल्फी और आइसक्रीम का, छोटा सा हमारा कुल्फी और आइसक्रीम का पार्टी हो गया। लेकिन अभी तक बाघ नहीं आया है, जो सबसे बड़ा चीज है बाघ नहीं आया है। बाघ के लिए तो ठंडा टाइप का नदी का जैसे पानी जाता है ना नदी में, उसी टाइप का यहाँ पे बनाया गया है पानी से। यहाँ पे पानी चल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे पानी वहाँ जो पानी फ्लो हो रहा है वहाँ पे नदी है ना। ये जंगली बिल्ली ये हिरन पर भी हमला कर देते हैं जंगल में। इधर सोया ओपन बिल स्टॉक, पहला कैपिटल फाइट कोकाटो। ये देखो भाई ब्लैक कोरासो, पूरा ब्लैक है उनका शरीर और उसका मुंह में थोड़ा सा येलो कलर का नहीं, पूरा ब्लैक है। उसके बाद भूटान ग्रे पिकॉक प्रिसान, ये विलुप्त हो गया। उसके बाद हिल माइना, ये भी एंडेंजर्ड है, मतलब ये भी विलुप्त हो गया। ये वाला बाढ़ का नाम है हाउसन स्ट्रीमर। मयूर है, चिड़ियों की आवाज से पूरा कांप रहा है, पूरा चारा तरफ क्राउडेड क्रेन। ये देखो भाई काला टाइप का बाढ़ है, क्राउडेड क्रेन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दो है भाई। क्या गजब का बाढ़ है, इसका सर देखो तो छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा बाढ़ है। बहुत सारे मिट्टू यहाँ पे बैठे हैं। ये ब्लैक खुला घूम रहा है। तो ये देखो हाथी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, डिफरेंस बिटवीन एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट। टोटल दो हाथी है इधर। शेर आ गया, शेर देखो, शेर आया। शेर हिप्पोपोटामस पानी का हाथी पूरा कोने में खड़ा है। स्ट्रीट हियाना जंगली कुत्ता, अंथरा टाइग्रिस बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर,
जागुआर। कंप्लीट हो गया, अभी 20% बचा है भालू और जो भी चीज बचा है। सुबह से पूरा एक दिन खत्म हो गया इधर घूमने के लिए, यहाँ पे चल के जाना पड़ेगा, गाड़ी का सिस्टम भी नहीं है। स्लॉथ बियर भालू अभी एक्सरसाइज में बिजी है इतना रास्ता पड़ा है लेकिन वो कोने से जा रहा है। स्लॉथ बियर है वो पूरा कोने कोने में चल रहा है। उसका नाम है कासोवरी, कासोवरी वाला। निर्गाय इतना कमजोर क्यों है भाई, खाना नहीं खिला रहे। ये देख लो भाई एमू बाड़, दो एमू बाड़ यहाँ पे पास में ही बैठा है। म्यूट सा क्या बात नहीं करता क्या, म्यूट सा ये इतना बड़ा बड़ा पिजियन। येलो और ग्रीन तोता, रेड एंड ग्रीन मार्को, इस तरफ तीन है उस तरफ तीन है, दोनों आस पास में लड़ाई करता। वैरायटी वैरायटी टाइप का मोर है और यहाँ पे व्हाइट कलर का मोर है। ये देखो भाई पूरा डीप ग्रीन कलर का पैरेट है। इंडियन पीकॉक, यहाँ पे तीन ऑस्ट्रिच है। चारों तरफ कुल्फी का दुकान था लेकिन यहाँ पर हमको मिला है खाने का चीज़। यहाँ पे चिकन पिज्ज़ा है, वेज पिज्ज़ा है, पनीर पनीर है, पेटीज है, वेज पेटीज है और चिकन हॉट डॉग है। उसके साथ भी पॉपकॉर्न और बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, चिकन पिज्ज़ा के साथ पनीर पिज्ज़ा। दोस्तों सुबह यहीं पर शुरू हुआ था हमारा जर्नी, इसी रास्ते से हमने गए थे। अंदर में घूमने के बाद हमने फिर यहीं पर आके पहुंचे। इतना बड़ा जू है कि घूमते घूमते 6 घंटा अंदर चला गया। काफी धूप हो रहा है, बहुत मेहनत किया है व्लॉगिंग वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप जरूर वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।